सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हरेला पर्व उत्तराखंड का जो त्यौहार होता है हरेला पर्व, इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लिखी पवार पहाड़ी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है लिखी पवार और मेरे गांव का नाम है उन्याणा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के किमट ब्लॉक के अंतर्गत बसा हुआ है। प्यारा सा छोटा सा गाँव है। और आज है मोदी संक्रांति, से जो हिंदी में जंगली नाशपति भी कहते हैं उसकी संक्रांति। और अभी हम छत पे आ रखे हैं अपने मकान के, तो नीचे है पूरा एरिया हमारा, ऊपर से पूरा या जो जी पीछे का नज़ारा जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, वो वहाँ तक पूरा उन्याणा गांव बसा हुआ है, ऊपर तक पूरा ये देखिए। तो अभी हम जाएंगे जंगली जो नाशपति का मैंने मोली कहते हैं उसको लेने के लिए, तो वहाँ की वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ का शूट करूँगा थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स मिलते हैं वहीं पे। यह है गेरी वबरी बोलते हैं इसको, नीचे हमारा जो किचन है, अरे ऊपर वाला किचन। और ये आगे की ये देखिए खूबसूरत पहाड़, जो कि बादल लग रखे हैं, मौसम खराब। और ये देखिए ये नीचे रहा हमारा मार्केट, जहाँ पे हल्की हल्की गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, तो दिखाने का प्रयास करूँगा मैं। पूरा बादलों से घिर रखा आज मौसम, ये देखिए। चारों ओर बादल ही बादल, क्योंकि अभी भी चांस है कि बारिश लगेगी। मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट तेल के लिए, क्योंकि यहीं नीचे है मार्केट नज़दीक पे, नीचे यहाँ पे ठीक नीचे, क्योंकि नज़दीक पे मार्केट है, इसलिए टाइम से नहीं लाते कोई भी सामान। जब ठीक जैसे खाना बनाने को होता है तब सामान की याद आती है कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, क्योंकि नज़दीक पे ना मार्केट। तो ठीक है, मेरे पीछे भैरवनाथ का मंदिर देख रहे होंगे ये, तो यहाँ पे होगी अभी पूजा। काफ़ी लोग आज यहाँ पे भैरवनाथ छोटा भैरव, तो इसकी पूजा अर्चना करेंगे, तो क्योंकि मैंने भी कर लिया उसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कैसे करते हैं पूजा। क्योंकि आजकल देखिए बरसात का मौसम है, तो आजकल ही काफ़ी मात्रा में जो ये देखिए जो डंडे डंडे टाइप के जो रिंगाल उस दिन हम लेके आए थे, तो यहाँ पे बो रखे हैं, तो ये इस पर लग रखे हैं छेमी, जो सेम भी सेम की सब्जी रहती है, सेम बोलते हैं उसकी दाल भी होती है ये बड़े होकर, तो उस पर ये सब्जी आजकल खाने में यूज़ में ले सकते हैं। क्योंकि एक होती है ये पेड़ पर चढ़ने वाली, जो छेमी होती है ये पेड़ पर चढ़ने वाली को, एक होती है ज़मीन पे नीचे के ज़मीनी पे होती है, तो यहाँ पे तो लगा नहीं रखी है, तो वो भी आजकल खाने लायक हो रखी है, तो उसको हम आजकल सब्जी में यूज़ करते हैं, क्योंकि घर ही में सब्जी हो जाती है उसकी भी। अभी जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, तो वो मैंने आपको थोड़ा बीज का नज़ारा दिखाया था पहले, तो अभी आया हूँ अपनी वाली दुकान पे, क्योंकि आप देखेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, तो अभी इसको कॉल करूँगा। आजकल बरसात का मौसम है, तो शॉर्ट सर्किट होने का काफ़ी खतरा रहता है, एक यहाँ पे तांतड़ वातड़ियाँ सब कहीं झुलस न जाए, इसके डर से बाहर से पूरा ऑटो कट ही बंद कर रखा रहता है। अरे रे अपनी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप, तो अभी हम मैं आया था तेल के लिए, तो थोड़ा ओपन कर ली दुकान, तो अभी जाऊँगा तेल के लिए नीचे वाली शॉप पे, ये ठीक सामने पे ये रही, तो मैंने रखा जर्किन इधर। और ये आ गया हूँ मैं जहाँ से मैंने सरसों का तेल लेना उस वाली शॉप पे, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का काम भी होता है, ताऊ जी हमारे बैठ रखे हैं, देखिए चाय की जिसके ले रहे हैं, देखिए ग्रीन टी,
मैंने भी पी रखी है, काफ़ी आनंद आता है इसको पीने में सुबह सुबह। और ये ले लिया हमने तेल, तो जा रहे हैं घर। तो और अभी घर जाके स्नान करके जंगल जाएंगे, और वहाँ से जो जंगली नाशपाती होती है मूल, मूली भी बोलते हैं, और मूल भी होते हैं, उसके फल दिखाऊंगा मैं आपको छोटे छोटे, तो वो लेके आने हैं। और जो अपने खेत हैं वो तो उस वहाँ पे लगाने हैं, वहाँ पे उनको लगाना है। जहाँ तक खेत में लगाने का ऐसा अर्थ रहता है कि जो फसल होती है वहाँ पे तो उसकी पैदावार अच्छी रहती है, इसलिए जो पूजा होती है उसलिए भी होती है कि पैदावार अच्छी हो। तो देखते हैं, अभी चलते हैं जंगल में, तो मिलते हैं वहीं पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन रहे हैं पकवान। अरे छोटी फूफू पकवान बना रहे हैं, और यहाँ पे देखिए हमारी दादी जी, ये बन रहे हैं कि बोल रहे गोनला पकोड़े, पकोड़ा नहीं बोला, मीठा पकोड़े, मीठे पकोड़े। देखिए अरे पूरी स्वादे भी बोलते हैं इनको गढ़वाली में। ये जो देवता है उन पे भोग लगता है ये वाला पकवान पूजा के लिए। भैर भी पूजन माँ बन रहे हैं पकवान अभी। ये बनाया जाता है आटे में गुड़ मिला के, उसको गूंदा जाता है, और तब जाके ऐसे बनते हैं ये मीठे गुड़ के पकोड़े, मीठे पकोड़े। ये रहा अपना जंगल, ये वाला एरिया पूरा। तो ये रहा मोल का पेड़, ये देखिए सामने ये वाला, तो देखते हैं इस पे मोल है कि नहीं लग रखे। फ्रेंड्स मैं अभी आया हूँ जंगल मोल के लिए। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हरेला पर्व, उत्तराखंड का जो त्यौहार होता है हरेला पर्व, इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और देखते हैं मोल कहाँ मिलते हैं मेरे को। तो यहाँ पे एक मोल का पेड़ भी रहा, तो यहीं से निकालते हैं, तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको कैसे होते हैं मोल। ये होते हैं मोल, ये देखिए इसके बीज जो हल्की हल्की नाशपाती टाइप की लग रखे हैं, ये देखिए ये तो होते हैं मूल, और इसके पत्ते इस प्रकार के होते हैं। अब इसको हम लगाएंगे खेतों में, जहाँ पे अपने खेतों में लगाना पड़ता है, जहाँ पे अपने खेत होंगे, तो चलते हैं वहीं पे। और इसके साथ ये वाली डाली भी लगानी पड़ती है, इसको बोलते हैं कोंड़जा। देखिए मैं अभी जा रहा हूँ खेत में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और क्या है झंगोरा, तो इनके बीच में यहाँ पे इसको लगा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे लग गया, और ये देखिए पूरी खेती झंगोरे की, देखिए पूरी हरे भरे। चलते हुए पूजा रघुनाथ जी की, और ये देखिए सेंडे भाई, बादाम मिश्री काजू किशमिश क्या होती खीर बनाते हैं यहाँ पे। लो दे कुकिंग खीर दे नहीं हो, ये तो दे होना मीठे दे होना, ये और दे बस धो निकाल दे। जबरदस्त खीर आने खाएंगे आएंगे खाने। ठीक छो, हाँ हाँ अच्छा। तो दोस्तों यार हमारा केसरी माता का मंदिर यहाँ पे हो रहा है न्यूज एकत्रित, जो घर घर से जो 8,000 का है तेल। जानलन दे ट्राई कोलन
यहाँ पे फ्रेंड्स रांची उन्याना दोनों जो गांव हैं उनके लिए यहाँ पे जो पकवान है प्रसाद में है जो पूरी बन रही है वो पूरे दोनों गांव के लिए बनाई जाती है। देखिए जाने अभी देखिए बादल लग रहे हैं फ्रेंड्स। और ये रहा रांची गांव। और इसी बीच यहाँ पे एक मंदिर है माँ राकेश्वरी माता का। ये देखिए विशाल का मंदिर का ऊपर का नज़ारा दिख रहा है। देखिए ऊपर तक पूरे गांव बसे हैं। ये ऊपर दरतोली है जहाँ तक। और यहाँ पे लग रखा है ये टावर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया। ये वाला जो एरिया ये बोंसार पूरा ऊपर तक। और ये लास्ट जो उस वाला ये वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वाला तो ये है अतोली। ये सड़क जा रही है यहाँ से मोटर मार्ग। और ये वाला व्यू देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये रहा अपना गांव उन्याना जो कि बहुत खूबसूरत वादियों में बस रखा है। यहाँ से मनसुना बुरवा और आगे तुम्हारा इस साइड यहाँ पे है गुप्तकाशी। ये देखिए पूरा उन्याना गांव खूबसूरत घाटी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।